25 लाख 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 25 लाख
आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आज दिन भर कोई वीडियो नहीं बना रहे, बस यही काम करके थोड़ी देर रेस्ट करने लगी, थोड़ा सा सिर दर्द भी हो रहा था, सिर भारी भारी से हो गया था तो कोई वीडियो नहीं बनाए। अब मैं बना रही हूँ रात का खाना, तो खाने में मैं सोच रही थी मेथी दाल का बेसन बनाऊँ, इस वक्त ना बहुत फ्रेश मेथी आ रही है मार्केट में, तो मैं रोज मेथी मंगवाती हूँ और अच्छी भी रहती है, हरी सब्जियाँ खानी चाहिए हमें। और यहाँ पर एक केले जो सुबह के टाइम सभी खा लेते हैं, केले तो रोज एक दर्जन शाम के टाइम इंग्लिश ले आता है, सब्जी केला है सब, और ये है हरी वाली इमली। बेटी आ गया ना मुँह में पानी, तो ये हरी वाली इमली ले आया है, मैं भजी बना रहा हूँ, मुझे भजी बनाएंगे तो इमली मंगवाई है। और दूध वाले भैया दूध नहीं ले रहे, अब 8 दिन हो गए तो ऐसे पैकेट मंगवा रहे दूध का और दही का, ये दही का पैकेट ले आए दिनेश, तो सब ले आए हैं। अब मैं बनाऊंगी मेथी की सब्जी, मतलब बेसन में डालकर बनाऊंगी, पतली सी चावल के साथ रोटी के साथ खाने में। अभी दीपक नहीं आए हैं, जब तक वो आ जाता है तब तक मैं बना लेती हूँ। जैसे दीपक आ जाता है पापा जी दिनेश और दीपक ये तीनों मिलकर खाना खा लेते हैं और मैं इनका वेट करती रहती हूँ। 9:30 बज जाते हैं इन्हें आते आते, तो इनका वेट करती रहती हूँ, आने के बाद हम खाना खा लेते हैं। मगर इन तीनों के लिए पहले खाना परोस देती हूँ क्योंकि जल्दी से सो जाते हैं दीपक दिनेश पापा जी। से मेथी को तोड़कर बारीक काट लिया है और हरा धनिया प्याज लहसुन टमाटर ये सब काटा पेटी मेरी हो चुकी है। अब फटाफट से बेसन बना लेते हैं। तो यहाँ पर गैस ऑन कर रही हूँ मैं लाइटर से, मगर नहीं चल रहा है क्योंकि लाइटर के ऊपर शायद पानी गिर गया होगा, तो उसे रख देते हैं और सुबह धूप में रख दूँगी तो फिर से चालू हो जाएगा। तो यहाँ पर माचिस से मैंने गैस ऑन कर दिया है, कढ़ाई रख दिया, कढ़ाई गर्म होने के बाद इसके अंदर 2 चम्मच ऑयल ले लिया है, ऑयल गर्म होने के बाद राई और जीरा डाल दिया है, राई जीरा चटकने के बाद आप डालेंगे लहसुन और थोड़ा सा मिला लेंगे, थोड़ा सा इसका कलर चेंज होने के बाद आप डालेंगे प्याज, तो एक प्याज है ये जिसे एकदम बारीक काट लिया है। अब इसे थोड़ी देर मिलाकर अब डालेंगे इसमें कटा हरा धनिया, आप चाहो तो इसमें हरी मिर्च भी डाल सकते हो, हरी मिर्च से भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। मैं लाल मिर्च ही डाल दे रही हूँ क्योंकि हरी मिर्च पहले भूनो फिर पीसो, इसमें ज़्यादा टाइम लग जाता है और दीपक आ चुका है तो फटाफट से बना लेती हूँ। प्याज लहसुन सब अच्छे से भूनने के बाद में डालिए कटी मेथी, मेथी को अच्छे से हमें भून लेना है ऑयल में थोड़ी देर ताकि मेथी हमारी अच्छे से ऑयल में सिकुड़ जाए। फिर बाद में डालिए कटे टमाटर और थोड़ी देर मिला लेंगे। अब डालेंगे इसमें थोड़ी सी हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। नमक डालने से ना बहुत जल्दी से टमाटर गल जाते हैं, तो अब हम इसमें अभी पानी नहीं डालेंगे, ऐसे ही ढककर रख देंगे 2 मिनट तक ताकि टमाटर हमारे अच्छे से गल जाए। इधर चावल रख दिया और इधर बेसन बन रहा है, साथ ही साथ जल्दी से बना लूँगी, दीपक वेट कर रहा है, बच्चों को ज़्यादा वेट नहीं करवाती हूँ, फटाफट से बना लेती हूँ। तो ये देखिए 2 मिनट के बाद टमाटर अच्छे से गल चुके हैं, अब डालेंगे इसमें पानी। तो यहाँ पर 2 से 2.5 गिलास पानी डाल दिया है और चावल भी बन चुके हैं और दीपक ने चेंज वेंज कर लिया है, इसे आते ही भूख लग जाती है, क्या होता है दिन भर बैठा रहता है कॉलेज में, दोपहर में लंच कर लेता है, फिर बाद में घर ही आ जाते हैं रात के टाइम, फिर डायरेक्ट रात का खाना ही मिलता है। अगर घर में बच्चे रहते हैं ना कुछ खाते रहते हैं, जैसे कुरकुरा हो चिप्स हो कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, मगर ये दिन भर कॉलेज में रहता है तो इसे कुछ नहीं मिल पाता है, तो इसे आते ही भूख लग जाती है। तो ये दिनेश ने कुरकुरे का पैकेट मंगवाया था, 2 मंगवाए थे, एक उसने खा लिया है और एक दीपक के लिए रख दिया है, तो ये खा ले रहा है। अब थोड़ी देर टीवी देखते हुए बैठेगा जब तक मैं बेसन बना लेती हूँ। ठंडी हवा चल रही है तो दिनेश स्वेटर पहन लेता है, इसे जल्दी से जुकाम पकड़ लेता है। मैं और दिनेश ना बहुत जल्दी से स्वेटर पहन लेते हैं थोड़ी भी ठंडी हवा चलने लगे, मगर दीपक और उसके पापा स्वेटर कभी नहीं पहनते, वो दोनों उन्हें बिल्कुल ठंड नहीं लगती है, मगर हम दोनों को बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। तो यहाँ पर ये देखिए इस पानी में उबाल आ चुकी है, अब हम इसमें बेसन डालेंगे और ये बेसन अब बहुत टेस्टी लगता है मेथी का, बहुत अच्छा लगता है। और इस वक्त मार्केट में ताज़ी हरी सब्जियाँ आ रही है, जैसे हरी मेथी, हरा धनिया, ये सब बहुत ताज़ी सब्जियाँ मिल रही है, जैसे हरी प्याज, ये सब आ चुका है
और मैं रोज़ मेथी की मंगवाती हूँ, बहुत टेस्टी लगती है ये। आप चाहो सूखी बनाकर खाओ, चाहे बेसन में डालकर खाओ, आप कैसी भी बनाकर खाओ, मगर खाओ ज़रूर। हरी सब्जियाँ बहुत अच्छी रहती है सेहत के लिए, और इस वक्त ताज़ी सब्जियाँ आ भी रही मार्केट में, तो लाइए बनाइए खाइए, बहुत अच्छी रहती है सेहत के लिए। तो यहाँ पर बेसन डाल के मैंने अच्छे से उसे घोल दिया है और पका लिया है, बेसन तैयार है। बेसन और गर्मा गर्म चावल दीपक परोस ले रहा है, तब तक मैं रोटी बना लेती हूँ पापा जी के लिए, और ये भी आते होंगे तो ये भी रोटी ही खा लेते हैं, ज़्यादातर इन्हें चपाती या चावल कुछ पसंद नहीं आता। तो यहाँ पर मैं गर्मा गर्म रोटी बना रही हूँ और दीपक खाना परोस ले रहा है। तो दीपक भी बोल रहा है कि अब दिनेश और दीपक दोनों भी रोटी खा लेंगे, बाद में चावल ले लेंगे, तो इन दोनों के लिए भी मैं रोटी बना ले रही हूँ। पहले तो मुझे दो ही रोटियां बनानी थी पापा जी के लिए, मगर बाद में दीपक बोल रहा था कि बेसन के साथ गर्मा गर्म रोटी अच्छी लगती है मम्मी, तो इन दोनों के लिए भी बना ले रही हूँ। गर्मा गर्म रोटी, बेसन, छाछ, ये रात का खाना इनका हो रहा है। और छाछ इस वक्त नहीं खाया जाता है, छाछ हो या दही, मगर क्या करें, दीपक को छाछ बहुत पसंद है और दिन भर से मिल नहीं पाता है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, अब सुबह के 5:30 बज रहे और आज दीपक जल्दी से ही जगा था 4 बजे ही, तो इसे पढ़ाई करनी थी, इसके एग्ज़ाम पास आ रहे हैं तो वही पढ़ाई करने के लिए जल्दी जग जाता है। तो ऑयल ख़त्म हो गया है जो छोटे डब्बे में निकाल कर ले लेती हूँ, तो ये नया वाला जो ये बड़ा कैन लेके आए ना, तो इसमें का ऑयल मुझे निकालना थोड़ा सा मुश्किल लगता है, तो दीपक को बुलाए तो वही निकाल दे रहा है। तो इसकी पैकिंग बहुत मजबूती से की गई है तो निकल नहीं रहे कैसे भी, तो एक कड़ची लेकर मैं निकाल दे रही हूँ। तो ये भरा हुआ डब्बा रहता है तो मुझे डर लगता है कहीं ऑयल पे नीचे फेल ना जाए, इसलिए मैं नहीं निकालती हूँ। और ये देखिए दीपक ने भी क्या कर दिया, ये भी नीचे फैला दिया इसने भी पूरा ऑयल। ये भरा हुआ डब्बे में का ऑयल निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, जब भी नया डब्बा ले आते हैं तो पहली बार यही निकालते हैं, बहुत अच्छे से निकालते, बिल्कुल नहीं फैलाते और हमसे नहीं हो पाता है। मगर ये सो रहे तो उन्हें जगाया नहीं मैंने, मगर दीपक ने पूरे घर में ऑयल फैला दिया था और उड़ उड़ के पूरे मेरे ऊपर भी आ चुका था, तो सारा साफ कर दिया है। और यहाँ पर मैं बना ली हूँ चपाती और दिनेश खा ले रहा है केला, सुबह के टाइम सभी केला खा लेते हैं। और यहाँ पर थोड़ी देर इनका झगड़ा भी चल रहा था, सुबह के टाइम ही टाइम मिल जाता है, नहीं तो रात में सो नींद आ जाती है तो झगड़ा करने के लिए टाइम नहीं रहता इनके पास, सुबह थोड़ा बहुत टाइम मिल जाता है, खाते खाते झगड़ा भी कर लेते हैं। और इनकी बैठने की जगह देखिए कहाँ बैठते हैं, नीचे भी नहीं बैठते ना बाहर सोफे पर बैठते हैं हॉल में, बस यहीं बैठना है इन्हें और मेरे कान में बातें करनी है। दोनों एक दूसरे से बातें कर लेते हैं मगर बीच में मैं रहती हूँ, क्या होता है इधर एक उधर एक बैठ जाता है फिर इनकी बातें चलती है, तो ऐसा ही होता है सुबह के टाइम हो शाम के टाइम हो। मेरे सुबह के सारे काम हो चुके हैं और ये नहाकर आ चुके हैं, तो पहले इन्हें चाय बना कर दे देती हूँ फिर मैं नहाने जाती हूँ। तो जब तक चाय बन रही तब तक इन्हें केला खाने के लिए दे दिया है। और एक नींबू के पत्ते डालकर चाय बना लेती हूँ, और मुझे नहाने जाना था इसलिए मैं ब्रश कर ले रही थी, पहले इन्हें चाय बना कर दे दूँ फिर हमारा खाना धोना बनता रहेगा। सब्जी में भजी और भजी बनाने के लिए सब मैंने बनाकर रख दिया है, जैसे चना, बैलर,
और क्या मटर और मेथी की सब्जी तो ऊपर रखी है, हरी वाली इमली भी रात में मंगवा कर रख दी है क्योंकि इस टाइम कोई आने वाला है नहीं, सब चले जाते हैं, यारे चले जाते हैं, बच्चे स्कूल कॉलेज चले जाते हैं, तो सब के लिए सब मंगवाया है और जो तैयारी करनी है कर रख दी है। फटाफट से भजी बना लेते हैं, इसमें थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है तो पहले बना लेती हूँ। और ये भजी दो दिन तीन दिन चार दिन रख सकते हैं, हम रख के खा सकते हैं, खराब नहीं होती, बहुत अच्छी रहती है, तो चलिए बना लेते हैं। तो ये चने और मटर है, जो छोटी वाली मटर आती है जो काली वाली, तो वो वाली मटर है ये भजी में ही डाली जाती है। और ये है बल्लर, तो ये बल्लर भी अच्छे से फूल गए हैं, चने और मटर भी अच्छे से फूल चुके हैं, रात भर अच्छे से गल चुके हैं ये, तो पहले तो हम इन्हें धो लेते हैं। और जो भी भजी में लगने वाला सामान है इमली वगैरह वो सब रात में मंगवा कर रख दिया है क्योंकि इस वक्त कोई मुझे ताकत देने वाला रहता नहीं है, ग्यारह चले जाते हैं और बच्चे स्कूल कॉलेज चले जा रहे हैं तो कोई लाने वाला रहता नहीं है, तो सब रात में मंगवा कर रख दिया है। अब मैं भजी बनाऊंगी, भजी में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग जाता है मगर चाय वाय बनने के बाद पूजा करने के बाद मैं भजी बना लूँगी। और इस वीडियो को भी प्रेम कर रही हूँ और मिलते हैं जिस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर भजी का सारा प्रोसेस मैं इसी में दिखाऊँगी